Hello everyone and welcome back to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we will continue the previous part. If you have not seen part first, then check it out once. तो आज हम chapter 2 का part 2 पढ़ेंगे और आज का हमारा topic क्या है? We learn in a family. हम हमारी family में क्या सीखते हैं? तो आज हम ये part 2 में पढ़ेंगे. So in a family, elders take care for the children. एक फैमिली में चिल्ड्रन की टेक केयर देखभाल कौन करता है? एल्डर्स यानी कि जो भी घर में बड़े होते हैं वो बच्चों की देखभाल करते हैं. दे हेल्प अस टू स्टडी. अब वो हेल्प किस में करते हैं? स्टडी में भी हेल्प करते हैं, हमारी पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं हमारे घर में जो बड़े होते हैं वो. दे प्ले विथ अस इन देयर स्पेयर टाइम. जब उनका फ्री टाइम होता है तब वो हमारे साथ खेलते भी हैं. दे टीच अस गुड मैनर्स एंड मॉरल वैल्यूज. और वो हमको क्या सिखाते हैं? अच्छा शिष्टाचार और हमारे नैतिक मूल्य हमको सिखाते हैं. तो हमको अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है? हमारे घर के बड़े. वी ऑल्सो लर्न टू लुक आफ्टर अवर यंगर्स. और हम फैमिली में क्या सीखते हैं? कि हमको हमारे घर में जो हमसे छोटे होते हैं उनकी भी हमको देखभाल करनी चाहिए. वी लर्न टू टेक केयर फॉर अवर फैमिली मेम्बर एंड गेस्ट. और हम हमारी फैमिली में क्या सीखते हैं? कि हमको हमारे फैमिली मेंबर जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी जो और हमारे मेहमान की देखभाल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए. वी लर्न टू शेयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. और हम हमारी फैमिली में क्या सीखते हैं? कि हमारी फैमिली में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ हम हमारी क्या शेयर करते हैं? प्रॉब्लम्स. और हम उन सब की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. कब हेल्प करनी है हमको? उनके डिफ़िकल्ट टाइम में. वी लर्न टू लिव इन पीस एंड हारमोनी. और इसके साथ ही हम फैमिली में क्या सीखते हैं? कि हम सब मिलजुल के रहें, शांति से रहें. तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हम कहाँ सीखते हैं? हम हमारे फैमिली में सीखते हैं. किससे सीखते हैं? हमारे एल्डर्स से. जैसे हमको स्टडी करनी चाहिए, ऐसे पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, हमारे पेरेंट्स से उनकी टेक केयर करनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ फैमिली. डिसीजन मेकिंग यानी कि हमको डिसीजन लेना, किसी भी बात से रिलेटेड डिसीजन लेना, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे फैमिली के लिए. इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज द फादर अलोन टेक्स द मेजर डिसीजन. अब जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? छोटी फैमिली है जिसमें जो चिल्ड्रन होते हैं वो किसके साथ रहते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. तो उस फैमिली में घर के डिसीजन कौन लेता है? उनके फादर. ही इज़ कंसिडर द हेड ऑफ द फैमिली. और इसीलिए फादर को न्यूक्लियर फैमिली क्या में क्या कहते हैं? हेड ऑफ द फैमिली. इन अ जॉइंट फैमिली द एल्डर्स मेल मेंबर यूजुअली टेक द डिसीजन. और जॉइंट फैमिली जो बड़ी फैमिली होती है उसमें डिसीजन कौन लेगा? तो जो एल्डर्स होंगे हमारे घर में जो बड़े होंगे वो क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे. तो बट नाउ अ डेज इन सम फैमिलीज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टेक डिसीजन टुगेदर. बट आजकल क्या होता है, कुछ फैमिली में पेरेंट्स के साथ साथ उनके जो बच्चे होते हैं वो भी डिसीजन लेते हैं साथ मिलकर. किसी भी बात पर कोई भी डिसीजन लेना है तो पेरेंट्स भी मिलते हैं और अपने बच्चों को ओपिनियन पूछते हैं, उनसे राय पूछते हैं कि इससे रिलेटेड क्या सही होना चाहिए, क्या गलत है. तो वो अपने बच्चों को भी इस बात में शामिल करते हैं. द चिल्ड्रन आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियन. और उस फैमिली में बच्चों को अलाउ होता है कि वो अपने व्यूज और ओपिनियन, अपनी राय है, अपने मत वो एक्सप्रेस करें, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ कहें. और ऐसे फैमिली में सब मिलकर क्या रहते हैं? डिसीजन लेते हैं. तो ये डिसीजन मेकिंग हमारी फैमिली में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं. तो पार्ट फर्स्ट में हमने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे. अब हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ट्रू फॉल्स करेंगे आज और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो बी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग. आपको इसमें क्या करना है? कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, जो सही है उसके लिए टी लिखना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके लिए एफ लिखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट, एन इमीडिएट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. क्या एक इमीडिएट फैमिली में पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन रहते हैं? तो ये बात सही है. तो इसके लिए हम क्या फील करेंगे यहाँ पे? टी. सेकेंड,
पैटर्नल रिलेटिव्स इंक्लूड योर मदर्स फैमिली मेम्बर्स। क्या पैटर्नल रिलेटिव्स वो होते हैं जो आपकी मदर की साइड से होते हैं? तो ये बात तो रॉन्ग है, तो इसके लिए हम क्या फील करेंगे? एब। थर्ड, इन अ फैमिली वी लर्न टू टेक केयर ऑफ अवर फैमिली मेम्बर्स एंड गेस्ट। हम हमारी फैमिली में ये सीखते हैं कि हम हमारी फैमिली के जो भी सदस्य हैं उनकी और जो हमारे मेहमान हैं उनकी देखभाल करें। सही है ये बात, तो इसके लिए क्या फील करेंगे हम? टी। फोर्थ, डिसीजन मेकिंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ए फैमिली। अभी अभी हमने पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, तो ये बात रॉन्ग है, तो इसके लिए हम क्या फील करेंगे? एफ। फिफ्थ, वर्किंग कपल्स अपॉइंट द मेड्स एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, फिर भी मैं समझा देती हूँ कि जो वर्किंग कपल होते हैं जो काम पे जाते हैं वो घर में अपने नौकर और नौकरानी रखते हैं। किस लिए रखते हैं? बच्चों की देखभाल के लिए। तो क्या ये बात सही है? सही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? टी। तो बी आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। सी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में फोर क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है? वॉट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली क्या है ये भी हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। सेकेंड, हु आर पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स क्या होते हैं तो ये भी हमने पढ़ा। थर्ड, हु टेक केयर फॉर द चिल्ड्रन इन ए फैमिली, ये आज हमने पढ़ा कि जो फैमिली के अंदर चिल्ड्रन होते हैं उनकी टेक केयर कौन करता है। फोर्थ क्वेश्चन, हु मेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। अब आपकी फैमिली में डिसीजन कौन लेता है ये आपको लिखना है। तो सी के फोर क्वेश्चन, मैं इसके एक बार आपको आंसर दिखा देती हूँ। सो सी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, वॉट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। आंसर, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स इज नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। ऐसी फैमिली जिसमें कौन कौन रहता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे अंकल आंट और उनके बच्चे, तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, होमवर्क यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पे आज की डेट मेंशन करनी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हु आर पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स कौन होते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स आर दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर फादर्स फैमिली। पैटर्नल रिलेटिव्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो हमारे फादर की साइड से हो, हमारे फादर की फैमिली से हो, उनको हम क्या कहते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ये क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर भी हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु टेक्स केयर फॉर द चिल्ड्रन इन ए फैमिली। फैमिली में चिल्ड्रन की टेक केयर कौन करता है आज ही हमने पढ़ा है, तो आंसर क्या होगा इसका? इन अ फैमिली एल्डर्स टेक केयर फॉर द चिल्ड्रन। फैमिली में कौन टेक केयर करता है चिल्ड्रन की? एल्डर्स। फोर्थ क्वेश्चन, हु मेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में डिसीजन कौन लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा? माई पेरेंट्स मेक डिसीजन इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में कौन डिसीजन लेता है? मेरे पेरेंट्स, क्योंकि आप अभी छोटे हैं इसलिए यहाँ पे क्या नाम लिखा है? पेरेंट्स का। सो दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।